ही बका तो हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब ग्रुप क्राइटेरिया। इससे पिछली वीडियो में बेटा मैंने सब ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स करवा दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, सब ग्रुप क्राइटेरिया है क्या, ये मैं इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ बेटा। सब ग्रुप क्राइटेरिया हमें किस चीज में जरूरतमंद है, हमारे लिए क्यों फायदेमंद है ये बेटा। सब ग्रुप हमने चेक किया था, किसी भी सेट को दूसरे ग्रुप का एक ग्रुप हमने जी लिया था, जिसका हमने कहा था एच जो है वो उसका सब ग्रुप उस सूरत में कहलाएगा जब एच अपने आप में एक ग्रुप होगा। तो एच को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, ग्रुप की चारों कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई की थी, जो उसमें बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, और इनवर्सिबल है या नहीं उसके एलिमेंट्स। तो मतलब हमने ग्रुप की चारों कंडीशंस उसके ऊपर लगाई थी, उसको चेक किया था, फिर उसके बाद हमने कहा था एच अपने आप में ग्रुप है इसलिए ये जी का सब ग्रुप है। तो बेटा सब ग्रुप क्राइटेरिया हमारी मदद क्या करता है, सब ग्रुप क्राइटेरिया की तीन कंडीशंस है, तीनों में से अगर हमने किसी भी सेट को हमने प्रूफ करना है जो ये दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं, तो हम कोई भी एक कंडीशन लेकर चेक कर लेते हैं। अगर उस सेट में वो कंडीशन होल्ड कर रही हुई तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं ये इस ग्रुप का सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्राइटेरिया से हमें ये फायदा होता है, हमें चारों कंडीशंस ग्रुप की चेक नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम किसी को कोई भी एक कंडीशन जैसे 1, 2 और 3 में से कोई भी एक उठाकर हम बोल देते हैं ये वाली कंडीशन इसके अंदर होल्ड कर रही है इस सेट में, तो इस वजह से ये इस ग्रुप का सब ग्रुप है। पर सबसे पहले तो हमें सब ग्रुप क्राइटेरिया की ये जो तीनों कंडीशन है इन्हीं को ही प्रूफ करना पड़ेगा जो ये भी ठीक है या नहीं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी अपने आप में एक ग्रुप है, एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, एच जो है वो जी का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, मतलब कि खाली नहीं है, कोई एक ना एक एलिमेंट उसमें मौजूद है। देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, एच जो हम सबसेट ले रहे हैं उस सबसेट में कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है जिनको मैं एक को नाम दे रहा हूँ ए का और दूसरे को नाम दे रहा हूँ बी का। Following conditions are equivalent. अब equivalent का बेटा मकसद क्या है, मतलब क्या है, equivalent का मतलब है अगर एक condition hold कर रही है तो दूसरी भी hold करेगी, और दो conditions hold कर रही है तो तीसरी भी hold करेगी। मतलब जैसा मैंने अभी बताया, जो हम किसी भी एक को अगर प्रूफ कर लेंगे तो हम बोल देंगे जो ये सब ग्रुप है इसका, वो क्यों बोल देंगे, क्योंकि ये तीनों conditions आपस में equivalent है। Equivalent का मतलब एक है तो दूसरी भी है, दूसरी है तो तीसरी भी है, तीसरी है तो पहली भी है। पर इस ग्रुप को प्रूफ करने के लिए, इन तीनों कंडीशंस को प्रूफ करने के लिए भी एक रूल है जो कि एक साइकिल के तौर पे चलता है। अब साइकिल के तौर पे कैसे चलता है, जैसे बेटा कि आपने इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ा था कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में क्या था बेटा, फर्स्ट कंडीशन से वो स्टार्ट हो रहा था और चारों प्रोसेस में घूम के लास्ट में दोबारा से वो स्टार्ट में फर्स्ट वाले के ऊपर ही आकर रुक जाता था। सेम एज इट इज कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगी। अब वो कैसे होगी, पहले हम कंडीशन वन को गिवन लेकर चलेंगे। अब जाहिर सी बात है यहां पर हमें स्टेटमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ ये गिवन है एच उसका सबसेट है। अब उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी गिवन जरूर होना चाहिए। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, पहले हम जाएंगे 1 से 2 की तरफ, फिर 2 से जाएंगे 3 की तरफ, और फिर 3 से जाएंगे 1 की तरफ। मतलब देखिए बेटा हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया था और वापस आकर 1 पर ही खत्म किया। ये साइकिल इस तरह से चलेगी, ये 1, 2 और 3, पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से वापस 1, या जहां से भी स्टार्ट करें, अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया है वापस हमारी साइकिल वहीं पर ही आकर रुकनी चाहिए। तो चले बेटा थ्योरम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा हम, स्टार्ट करते हैं यहां पर। पहले हमने क्या करना है, 1 से लेकर 2 की तरफ जाना है, मतलब 1 हमारे पास गिवन है और 2 हमने प्रूफ करना है। जिससे जिसकी तरफ जा रहे होंगे, जो पहली वाली कंडीशन होगी वो हम गिवन लेकर चलेंगे, जो ये हमें गिवन है,
और दूसरी वाली कंडीशन उसकी मदद से, पहले वाले की मदद से हम प्रूफ करेंगे जो दूसरी वाली कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं यहां पर स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। अब ये मैंने क्यों लिख दिया यहां पर बेटा, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही थ्योरम के बता दिया है। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं यहां पर ये स्टेटमेंट, तो बेटा हर कंडीशन में वन से टू पे जाते वक्त, टू से थ्री पे जाते वक्त, तो थ्री से वन पे जाते वक्त हर स्टेप में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो बार बार मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ई जो है वो आइडेंटिटी है जी की, ई जो है वो आइडेंटिटी है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही बता दिया थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जो भाई ये ई जो है इसकी आइडेंटिटी है, तो बार बार अब मुझे स्टेटमेंट देनी नहीं पड़ेगी। अब देखे क्या कर रहा हूं मैं, वन से जा रहा हूं किसकी तरफ, टू की तरफ, मतलब कि मुझे गिवन है यहां पर एक चीज, गिवन क्या है, वन मुझे गिवन है, मतलब कि एक्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और प्रूफ क्या करना है मैंने, टू प्रूफ, प्रूफ करना है मैंने बेटा ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। अब प्रूफ मैंने क्या करना है बेटा, एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, ये मुझे गिवन है, और प्रूफ मैंने क्या करना है, ए इनवर्स बी जो है वो एच से आ रहा है। तो अब देखें यहां पर मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, अब मैंने A इनवर्स B बिलोंग्स टू H प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो मेरे पास A और B दो एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, टेक A कॉमा B बिलोंग्स टू H, दो एलिमेंट्स जो कि मुझे स्टेटमेंट में ही बताया गया है A और B जो है H से आ रहे हैं, वो मैंने ले लिया, दो एलिमेंट्स A और B जो है वो H से आ रहे हैं। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, A इनवर्स B, मतलब के पहले एलिमेंट का इनवर्स दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हूं। तो अब यहां पर देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, इंप्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू एच। अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एच में होगा। अब वो कैसे होगा, यहां पर देखें बेटा एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, ये मुझे गिवन है, एच जो है वो सब ग्रुप है, तो एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो मतलब के एच अपने आप में एक ग्रुप है, ये मुझे गिवन है, एच अपने आप में एक ग्रुप है, तो मतलब के एच के जो दो एलिमेंट्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन भी उसमें होल्ड कर रही होगी, वो दोनों एलिमेंट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाए तो वो भी उसी में आ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रुप है, तो मतलब सबसे पहली कंडीशन उसमें बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं मतलब के दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर रही है। एक बात मैं और बता दूं बेटा, मल्टीप्लीकेशन का यहां पर कतन मकसद ये नहीं है वन मल्टीप्लाई बाय टू, या जैसे हम सिंपल पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, एलजेब्रा में मल्टीप्लाई का मतलब जब यूज होगा तो उसका मतलब होगा हमारे पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब है ए स्टार बी, मतलब कि इस ग्रुप के अंदर जो भी स्टार ऑपरेशन होगा वो स्टार ऑपरेशन यहां पर होल्ड कर रहा है। तो इस ए बी का मतलब जरूरी नहीं है ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी का मतलब है ए और बी के दरमियान वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है जो कि इस एच और जी में मौजूद है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी जो है वो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर रही हो एच में होगी, जबकि ए कॉमा बी belongs to H, दोनों कहां से आ रहे हैं A और B, for all A B belongs to H, साथ में मैंने hint दे दी, जबकि A और B जो है वो दोनों elements किसके हैं H के हैं। या यहां पर एक condition simple statement ये भी दे सकते हैं, since H is a group, क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं ना ए और बी जो है वो एच के एलिमेंट है, तो यहां पर ए मल्टीप्लाई बाय बी होल्ड कर रही है, उसकी वजह क्या है, एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, तो दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन भी उसमें होल्ड करेगी। अब दूसरी बात क्या होगी, यहां पर देखें इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई बाय एच बिलोंग्स टू एच। अब ये मैंने कैसे लिख लिया बेटा, फिर से देखें यहां पर एच जो है वो अपने आप में ग्रुप है, तो मतलब के पहली कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है ये रहा, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट है,
चौथी कंडीशन क्या है, एच के हर एलिमेंट अपने आप में इन्वर्सिबल है, हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। तो मैंने ये लिखा है ए इन्वर्स, जब मैं बोल रहा हूं ए जो है वो एच में मौजूद है तो ए का इन्वर्स भी जो है वो कहां होगा, एच में ही होगा। और जब ए मल्टीप्लाई बाय बी मौजूद है तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी भी कहां होगा, वो भी एच में ही मौजूद होगा। इसमें भी सेम हिंट आएगी यहां पर, सिंस एच इज अ ग्रुप। तो बेटा मैंने यही बात प्रूफ करनी थी, पहली कंडीशन को मैं लेकर चला, दूसरी मैंने प्रूफ करनी थी ए इन्वर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो मैं यहां पर लिख लूंगा ए इन्वर्स बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ये बात मेरी प्रूफ हो गई, मतलब पहली कंडीशन को मैं गिवन लेकर चला और दूसरी वाली मैंने निकाल ली है, दूसरी वाली का आंसर आ चुका है जो मुझे बोला जा रहा था, सेम वही आंसर यहाँ पर आ गया है। और जबकि ए और बी दोनों क्या है, एच के ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर वन से लेकर टू तक वाली तो मैंने प्रूफ कर ली है। अब मैंने क्या करना है बेटा, वन से टू चला गया तो अब टू से मैंने कहां जाना है, थ्री जाना है। अब मैं टू से वापस रिवर्स वन पर नहीं आ सकता, टू से मैंने कहां जाना है, थ्री पर जाना है। तो अब मैं क्या लिखूं यहां पर, अब मैं जा रहा हूं टू से लेकर थ्री की तरफ जा रहा हूं, टू मुझे गिवन है और थ्री अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। टू गिवन कैसे है, ये मैंने अभी प्रूफ कर लिया। अब देखें यहां पर गिवन मेरे पास क्या है, ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन मुझे गिवन है। प्रूफ मैंने क्या करना है, टू प्रूफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। अब कुछ बच्चों के जहन में यहां पर सवाल आता है, जैसे हमने यहां पर लिया है जो है वो सब ग्रुप है, सिंपल हमने क्या लिखा, उसका हर एलिमेंट इन्वर्सिबल है तो मल्टीप्लाई करके यहां पर प्रूफ कर लिया हमने, सेम एज इट इज वही काम यहां पर भी हम कर लेंगे। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उसकी वजह क्या है, वजह यह है यहां पर मुझे गिवन क्या था, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, मतलब एच अपने आप में एक ग्रुप है, पर यहां पर मुझे गिवन क्या है, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। जब मैं वन से टू जा रहा था वो मैंने प्रूफ कर लिया, अब मैं टू से थ्री की तरफ जा रहा हूं तो ये वन से टू जो मैंने प्रूफ किया है ये सारा कुछ मिट गया है, ये खत्म हो गया है। अब ये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, टू से थ्री प्रूफ करते वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज इस्तेमाल कर सकता हूं वो है टू जो गिवन कंडीशन है बस। पिछला ये जो मैं प्रूफ कर चुका हूं जो एच सब ग्रुप है जी का, तो इसलिए ए इनवर्स बी भी जो है वो एच से आ रहा है, ये वाला सारा कुछ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मुझे गिवन जो चीज है वो बस सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन है, और क्या है, जो एच जो है वो जी का सबसेट है बस, और ये लाइन मुझे गिवन है। तो अब मैंने ये गिवन प्रूफ करना है, गिवन को लेकर चलना है और ये वाली लाइन मैंने प्रूफ करनी है। तो अब ये वाली लाइन प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज तो मुझे क्या पता होनी चाहिए वो मैं बता दूं। बेटा यहां पर क्या है, ए इनवर्स बी, यहां पर क्या है, ए बी इनवर्स, मतलब के जिस एलिमेंट पर इनवर्स मुझे मौजूद है गिवन में, मैंने प्रूफ उस पर इनवर्स नहीं करना, मैंने दूसरे वाले पर इनवर्स प्रूफ करना है। तो दूसरे वाले पर इनवर्स प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए जो क्या इसका इनवर्स एच में भी मौजूद है या नहीं। मैं फिर बता दूं, अब मुझे ये गिवन नहीं है जो एच अपने आप में ग्रुप है, ये बात याद रखिएगा, आप मुझे ये गिवन नहीं है जो है एच अपने आप में ग्रुप है, तो ये बात मुझे कंफर्म नहीं है जो एच के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एच में मौजूद है। तो सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा जो एच के अंदर ये जो एलिमेंट है ए और बी, इनके इनवर्स भी एच में ही मौजूद है। तो आप देखें मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब मैं एलिमेंट ले रहा हूं टेक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एच, दो एलिमेंट्स लिए हैं ए और ए, जरूरी नहीं है मैं डिफरेंट एलिमेंट्स लूं, यहां पर मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत थी तो मैंने डिफरेंट लिए हैं, अब यहां पर मैं सेम एलिमेंट्स भी ले सकता हूं। अब सेम एलिमेंट्स लेने की वजह क्या है आप वो देखिए,
अगले मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, साथ में मैं लिख लेता हूं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए जो है वो कहां से आ रहा है, एच से आ रहा है। अब देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए बिलोंग्स टू एच। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, देखे बेटा मुझे गिवन स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फर्स्ट वाले का इनवर्स और सेकंड वाला सेम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी एच में, ये बात मुझे गिवन है। तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए, पहले वाले का इनवर्स और दूसरा वाला उसके साथ सेम मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या होगा, ये भी एच में ही होल्ड करेगा। साथ में मैं हिंट दे दूंगा, सिंस यूजिंग गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, देखें ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए है, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, कोई भी एलिमेंट जब अपने ही एलिमेंट के इनवर्स से, मतलब कि एक एलिमेंट मौजूद है वो अपने आप के इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो किसके बराबर होता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन में, जब कोई एलिमेंट अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा अपने ही इनवर्स से, तो वो बराबर आएगा, आइडेंटिटी ठीक है। तो ये देखें यहां पर क्या होगा, E बिलोंग्स टू H, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं जो E इज द आइडेंटिटी ऑफ G तो ठीक है, नहीं भी लिखते तो बेटा गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने थ्योरम के स्टार्ट में ही बता दिया E जो है वो आइडेंटिटी है, तो अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो बेहतर है, नहीं लिखते तो मसला नहीं है। अब यहां पर एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई, क्या जो एच जिससे मैंने एलिमेंट लिए हैं ए और बी मैं ले रहा हूं उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो मौजूद है, क्यों, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट को चेक करने के लिए, ये बात बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स एलिमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले उस सेट के सेट को मोनॉइड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले मैंने ये बात प्रूव कर ली है जो इस सेट के अंदर कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। अब मैं क्या प्रूव करूंगा, जो इस सेट के जो ए और बी एलिमेंट है ये इनवर्सिबल भी है। अब देखे मैं ये साइड रब कर रहा हूं यहां से, अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, दो एलिमेंट्स ले रहा हूं, देखें टेक बी कॉमा ई बिलोंग्स टू एच। अब मैंने यहां पर क्या लिया था, ए लिया था, और अब यहां पर क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं। अब बी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे सवाल में ही गिवन है ए और बी दोनों एच से आ रहे हैं, ये बात मुझे कंफर्म है, ए और बी तो एच से ही आ रहे हैं, तो बी मैंने एक एलिमेंट ले लिया और साथ ही साथ एक एलिमेंट और ले लिया ई, जो कि मैंने अभी प्रूफ किया जो इस एच जो सेट है एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, ये बात मैंने अभी अभी प्रूफ की है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें इंप्लाइज दैट बी इनवर्स इन टू ई बिलोंग्स टू एच, ये मैंने क्या किया बेटा, यूजिंग गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन यूज की है, गिवन कंडीशन क्या है, पहले वाले का इनवर्स और दूसरा एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले का इनवर्स और दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बात तो है। अब देखें ये इनवर्स एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट से बेटा जब कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है, वही एलिमेंट दोबारा से आ जाता है, सो B इनवर्स बिलोंग्स टू H, B इनवर्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, H से आ रहे हैं। अब ये बात मैंने प्रूफ कर ली, A इनवर्स तो मुझे पता था H में है, वो तो गिवन था, मैंने प्रूफ क्या करना था, B इनवर्स भी जो है वो H से ही आ रहा है, तो अब ये बात मैंने प्रूफ कर ली, B इनवर्स भी जो है वो कहां है, H में है। साथ में मैं लिख लेता हूं फॉर ऑल B बिलोंग्स टू H। अब एक बात मुझे कंफर्म हो गई, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, दूसरी बात भी कंफर्म हो गई जो बी का इनवर्स भी इसमें मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, फाइनली इसको प्रूफ करना है, तो अब देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं ये वाला बेटा स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए बेटा, टेक ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच,
अब ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूं, जो ए और बी ये जो दो एलिमेंट मैं एच के ले रहा हूं, इन एच के इनवर्सेस भी एच में ही मौजूद हैं, तो अब मैं इन दोनों के इनवर्स भी ले सकता हूं। ये बात क्योंकि मैंने प्रूफ कर ली है। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इसमें साथ में आप ये लिख भी सकते हैं एस प्रूफ अबव इंप्लाइज दैट ए इनवर्स का होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये मैंने क्या किया बेटा, गिवन कंडीशन यूज कर रहा हूं, पहले वाले एलिमेंट का इनवर्स और दूसरा वाला एलिमेंट सेम आ जाएगा। अब यहां पर पहला एलिमेंट क्या था, ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स आ गया, और दूसरा एलिमेंट क्या है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स सेम आ गया। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, यूजिंग गिवन कंडीशन। अब ए इनवर्स का होल इनवर्स है, एक एलिमेंट है, अगर मैं उसका इनवर्स ले रहा हूं और दोबारा से इनवर्स ले रहा हूं तो वो क्या आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। मतलब के 2 का इनवर्स लिया 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 का दोबारा से इनवर्स लिया तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहां पर बेटा देखिए क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। यही बात मैंने प्रूफ करनी थी बेटा, देखिए 2 से लेकर 3 तक भी हमने प्रूफ कर लिया है। 1 से 2 पहले हमने प्रूफ किया, एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी, ये बात प्रूफ की। अब 2 से लेकर हमने 3 तक प्रूफ कर लिया, 2 गिवन लेकर चले, पहले हमने ये बात बताई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर हमने ये बताया जो इनवर्सिबल है हर एलिमेंट, फिर हमने ये बात प्रूफ कर ली। अब हमने क्या करना है, तीसरी कंडीशन को लेकर चलना है, पहली वाली प्रूफ करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, प्रूफ क्या करना है, एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी थोड़ी सी लंबी होगी और थोड़ी सी लॉजिकल भी होगी, क्योंकि अब जो मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं एच से, अब मैंने क्या करना है, एच मुझे गिवन नहीं है जो एच अपने आप में ग्रुप है, मैंने ये बात प्रूफ करनी है जो एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी। तो ये वाली साइड्स में सारी बेटा रब कर रहा हूं, जल्दी से ये कॉपी कर लें। अब मुझे गिवन क्या है बेटा, यहां पर मैं अब जा रहा हूं 3 से 1 की तरफ, तो गिवन है मेरे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। प्रूफ मैंने क्या करना है, टू प्रूफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये बात मैंने प्रूफ करनी है, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो मतलब सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है जो एच अपने आप में एक ग्रुप है। अब ये दो एलिमेंट्स है मेरे पास, एक एलिमेंट सिंपल है और एक का इनवर्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट्स की मदद से मैंने क्या करना है, ये बात प्रूफ करनी है जो एच जो है वो अपने आप में ग्रुप है। एच अपने आप में ग्रुप है तो सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा एच के अंदर आइडेंटिटी मौजूद है। दूसरी बात मुझे क्या करनी पड़ेगी, एच का हर एलिमेंट जो है वो इनवर्सिबल है, ये बात मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। अब सवाल यहां पर ये आता है, जो अभी हमने पहले अभी 2 से 3 पर जाते वक्त तो हमने प्रूफ किया जो एच में आइडेंटिटी भी है और एच का हर एलिमेंट इनवर्सिबल भी है, तो बेटा मैंने अभी बताया 1 से 2 पर जाते वक्त जो हम काम कर रहे हैं, 2 से 3 पर जाते वक्त हम वो काम यूज नहीं कर सकते। 2 से 3 पर जो हमने काम कर लिया वो सारा मिट गया, खत्म हो गया, अब वो काम मैं 3 से 1 पर जाते वक्त यूज नहीं कर सकता, मुझे अलग प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें टेक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एच, ये काम तो हम वही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, देखें अब ये तो कंडीशन अब इसे आसानी से समझ आ जाएगी, ए टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्या किया हमने, यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन यूज किए, क्या किया, पहला वाला एलिमेंट सेम, दूसरे का इनवर्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनवर्सिबल है दोनों, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। यहां पर अब स्टेटमेंट देते हैं आप तो ठीक है, नहीं देते तो मर्जी है। ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी,
ठीक है। अब हमने ये बात प्रूफ कर ली, आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर मौजूद है। दूसरी बात हमने क्या प्रूफ करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद हमने प्रूफ करना है एलिमेंट इनवर्सिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें, टेक ई कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। अब यहां पर मैंने ई कॉमा ए क्यों लिया, ए कॉमा ई क्यों नहीं लिया, वजह क्या है। जैसे मैंने पिछले वाली में पिछली कंडीशन में लिया था बी कॉमा ई बिलोंग्स टू एच, उसमें क्या था बेटा, पहले वाले पर हमारे पास इनवर्स था, दूसरा वाला सेम था। अब हमारे पास गिवन क्या है, पहला वाला सेम दूसरा वाला इनवर्स। तो अब मैंने इनवर्सिबल प्रूफ करना है, इनवर्स एलिमेंट प्रूफ करना है। अगर मैं ए को पहले रखता हूं ई को बाद में रखता हूं तो मेरे पास कंडीशन बन जाएगी ए इंटू ई इनवर्स, तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही रहा, आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। इस वजह से मैं यहां पर अब एलिमेंट लूंगा ई इंटू ए इनवर्स, साथ में लिख लेते हैं फॉर ऑल ई कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप देखे बेटा, यहां पर इंप्लाइज दैट ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्या किया बेटा, यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमने यूज किया तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ जाएगा, साथ में हम क्या लिख लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। अब इससे हमें क्या पता लगा, सेम हम काम वही कर रहे हैं जो अभी हमने पिछली वाली कंडीशन में किया, पहले ये प्रूफ किया आइडेंटिटी है, अब प्रूफ कर लिया एलिमेंट इनवर्सिबल है। और हमने क्या प्रूफ करना है, इस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड कर रहा है। अब यहां पर ए इंटू बी इनवर्स है, अब ये ए है और ये बी इनवर्स है, हो सकता है ये ए और बी दोनों सेम हो, हमें तो नहीं पता ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं जो इसमें बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि ए मल्टीप्लाइड है बी भी हमारे पास एच में ही आ रहा है। अगर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा हुआ ए मल्टीप्लाइड है बी आ गया हमारे पास आंसर, तो हम बोलेंगे इस एच में आइडेंटिटी भी है, एच का हर एलिमेंट इनवर्सिबल भी है, एच में बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से एच अपने आप में ग्रुप है, एच अपने आप में ग्रुप है तो जी का सब ग्रुप भी है। तो अब देखे क्या होगा यहां पर, टेक, अब मैं दो एलिमेंट्स ले रहा हूं, कौन कौन से ले रहा हूं बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। अब यहां पर क्या होगा देखे, अब ये ए और बी मैंने कहां से लिए हैं, एच से लिए हैं, या तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, यहां पर ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहां पर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं ए और एक एलिमेंट ले रहे हैं बी इनवर्स। अब मैं बी इनवर्स कैसे ले रहा हूं, मैंने अभी प्रूफ किया एच का हर एलिमेंट जो है वो इनवर्सिबल है, तो इसलिए मैं किसी भी एलिमेंट पर इनवर्स ले सकता हूं, साथ में लिख लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जैसे आप लोगों को पता है गिवन कंडीशन यूज करेंगे, ए इंटू बी इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहां क्या किया यूजिंग गिवन कंडीशन, बी इनवर्स का होल इनवर्स लेंगे तो दोबारा से वही एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कि ए मल्टीप्लाइड है बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी, जो ए मल्टीप्लाइड है बी जो है वो कहां से आ रहा है, एच में ही मौजूद है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एच में होल्ड कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन एक्स में होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, हर एलिमेंट इनवर्सिबल है, तो मतलब एच इज अ ग्रुप एंड हेंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच अपने आप में ग्रुप में है, ग्रुप है, तो इसलिए एच जो है वो जी का सब ग्रुप भी है। तो ये बात बेटा यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई, जो सब ग्रुप क्राइटेरिया हमने फर्स्ट टाइम ये करना था, तो इसलिए हमारे पास हमें पूरा कंप्लीट प्रूफ करना था। ये अब ये हमने प्रूफ कर लिया, ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, एक लेकर चले दूसरी प्रूफ की, दूसरी लेकर चले तीसरी प्रूफ की, तीसरी लेकर चले पहली प्रूफ की, मतलब कि तीनों कंडीशंस आपस में बराबर हैं, कहीं से भी कान को पकड़े बात एक ही है, तो इसलिए हमने ये बात प्रूफ कर ली है। ये हमारे पास ग्रुप
थ्योरम जो है सब ग्रुप क्राइटेरिया भी बोला जाता है, सब ग्रुप थ्योरम भी बोला जाता है। ये हमारे पास तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ हो गई है, फर्स्ट टाइम हमने प्रूफ कर ली है। अब आगे अगर हमें किसी भी सेट को ग्रुप या सब ग्रुप उसका प्रूफ करना होगा तो हम डायरेक्ट कोई भी एक कंडीशन यूज करके उसको प्रूफ कर लेंगे। तो वो आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो उन एग्जाम्पल्स में मैं साथ ही साथ आप लोगों को समझा दूंगा। आज की वीडियो बेटा यहीं पर ही खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।